मेरा नाम कंचन है और मैं बड़ी ही शौक और चंचल टाइप की लड़की थी। शादी से पहले भी मेरे काफ़ी लड़कों के साथ अफेयर रह चुके थे। मुझे लड़कों से बात करने का बहुत शौक था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए बहुत आसानी से लड़के मेरी बातों में आ जाते थे और मुझसे बातचीत करना शुरू कर देते थे। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सुख चैन नहीं देखा था। घर में हमेशा भाभी और मम्मी की लड़ाई रहती थी और मुझे ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया था क्योंकि मेरे घर में गरीबी ही गरीबी छाई हुई थी और उन लोगों के पास मुझे पढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं थे और ना ही उन लोगों ने मेरा कोई शौक पूरा किया था। हालांकि मैं तीन भाइयों की इकलौती बहन थी और मेरे घर में दाल रोटी मिल जाता था, यही हमारे लिए बहुत था, इसीलिए वे मेरी डिमांड को कहाँ से पूरी करते। मैं अपने इस गरीबी भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी क्योंकि मेरी जितने भी फ्रेंड्स थी वह सभी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी और उन सब के पास मोबाइल था और ना जाने वह कितने लड़कों से बातें करती थी। मेरी फैमिली गरीब होने के साथ साथ शरीफ होने का भी दावा करती थी, इसीलिए मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया गया और मुझे मोबाइल फ़ोन भी नहीं दिया जा रहा था जबकि मैंने डिमांड कर दी थी। आज के ज़माने में मोबाइल सस्ता नहीं आता, लेकिन हर आम से आम इंसान के पास मोबाइल मौजूद है और इन्हीं लोगों को देख देख कर मेरे दिल में भी मोबाइल ख़रीदने की इच्छा जाग जाती थी। जब हम सारे फ्रेंड इकट्ठा होते थे तो सबके पास मोबाइल फ़ोन होता था सिवाय मेरे, और मुझे वह मेरी मजाक उड़ाया करती थी। मैंने अपने घर में मोबाइल की डिमांड की थी तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था और उनका कहना था कि कुंवारी लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल करती हैं तो बिगड़ जाती हैं, मगर मैं भी तो करना चाहती थी क्योंकि बिगड़ना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैं अपने माता पिता की तरह शरीफ और गरीब भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी क्योंकि ऐसी ज़िंदगी में सिवाय अपना चैन सुकून खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। लोग गरीब इंसान को रौंद कर चले जाते हैं और कोई भी ऐसे इंसान की मदद नहीं करता। मेरा यही मानना था कि हमेशा अपने ख्वाहिशों को पूरा करना चाहिए, चाहे किसी से छीन कर ही क्यों ना करना पड़े। मैंने मोबाइल लेने के लिए घर में शोर मचा दिया था, लेकिन मेरे परिवार वालों के पास पैसे होते तब न वह मुझे मोबाइल दिवाते। मेरे तीन तीन भाई थे और तीनों ही नाकारा थे। सबसे बड़े भैया की शादी हो चुकी थी और वे अपने पत्नी के साथ ज़िंदगी गुजारने में बिजी हो गए थे और उनकी पत्नी ऐसी आ गई थी कि हर दिन घर में मम्मी और उनकी लड़ाई लगी ही रहती थी। मेरी मम्मी का भी कोई काम नहीं था। शायद हम गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारे साथ किसी तरह की कमी हो रही है तो उस कमी को हम लोग लड़ झगड़ कर ही पूरा कर लेते हैं। और इसके अलावा गरीब इंसान कर भी क्या सकता है, क्योंकि गरीबों के भाग में तो सिर्फ इतना ही लिखा होता है क्योंकि मज़े तो अमीरों के होते हैं। फिलहाल मुझे मोबाइल नहीं दिलवाया गया तो मैंने दो तीन दिन तक घर में खाना ही नहीं खाया। मेरी भाभी का कहना था कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, अगर ये घर में रहेगी तो ऐसी ही डिमांड करती रहेगी, पढ़ाया लिखाया है यही इसके लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन मैं तो भाभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी और मुझे उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था और मैं किसी भी तरह अपना शौक पूरा करना चाहती थी। और मेरे ज़्यादा हंगामा करने से और खाना ना खाने से मेरी माँ के दिल पे बहुत बड़ा सदमा पहुँचा था और उन्होंने अपने कानों की छोटी छोटी बालियाँ बेचकर मुझे मोबाइल दिलवा दिया था। हालांकि इससे पहले वह मुझे बहुत बार समझा चुकी थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था और ये मेरी पहली डिमांड थी जो इतनी बड़ी और महंगी थी। इससे पहले मैंने अपने पेरेंट्स से कोई भी डिमांड नहीं की थी, ये सिर्फ मेरे पापा ही कमाई करते थे और उनकी ही कमाई से हमारा घर चल रहा था। दोनों छोटे भाई दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते थे जबकि बड़े भैया थोड़ा बहुत कमा लिया करते थे और वह भी अपनी पत्नी पर ही लगा दिया करते थे। फिलहाल मुझे मोबाइल मिल चुका था और उससे मैं खूब नए नए लड़कों से बातें करती थी क्योंकि मैंने नए नए लड़कों से दोस्ती कर लिया था और उनके साथ फ्लर्ट्स करना शुरू कर दिया था। मैं उन लोगों से जो भी डिमांड करती थी वह उसे पूरा कर दिया करते थे और इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे पैसे भी रहने लगे थे और मैं उन सारे पैसों से खूब सारे शॉपिंग करती थी। घर में अगर कोई पूछता कि यह सारा सामान कहाँ से आया है तो मैं बोल दिया करती थी कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इज्जतदार लोग थे, उन्हें मुझसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
लेकिन मगर मैं किसी लड़के के साथ ज़्यादा करीब नहीं हुई थी। बस उनसे मेरी फ़ोन के पे ही बात की हद होती थी और मेरा जिस लड़के से दिल भर जाता तो मैं उसको ब्लॉक कर देती या फिर अपना नंबर ही चेंज कर दिया करती, क्योंकि एक एक लड़के से मुझे काफ़ी मुनाफा हो रहा था और मेरी खूबसूरती के वो दीवाने होते रहते थे और मेरे कहने के मुताबिक ही चलते रहते थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की आवाज़ निकाल दी थी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी इन लोगों के पास मुझे देने को था ही क्या। मैं अपने पापा से कहती थी कि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसे भी मुझे ढेर सारा दहेज चाहिए। हालांकि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ और इकलौती बेटी के माता पिता उन्हें बहुत सारा दान दहेज देते हैं। मेरे पापा मेरी बात सुन के खामोश हो जाते थे और उनका कहना था कि कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करे। जितना तुम्हारे भाग में लिखा होगा उतना तुम्हें मिलेगा ही। मगर मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी थी, मुझे तो अभी फ्लर्ट करना था और ज़्यादा पैसे कमाने थे, अपने डिमांड को पूरा करना था। मैं हर हफ्ते अपने फ्रेंड्स को पार्टी दिया करती और उनके साथ घूमने भी जाया करती थी। हालांकि मेरी फैमिली को ये बात पता नहीं थी, मैं उन लोगों से चोरी छुपे या बहाना बनाकर ये सब कुछ करती थी और तो और खूब ढेर सारा शॉपिंग भी किया करती थी। कुछ लड़के ऐसे होते थे जो मुझे पैसे नहीं देकर गिफ्ट दिया करते थे और वो भी मुझे पर मेरी पसंद के। मुझे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी क्योंकि मैं अब लालची हो गई थी और लालच में आकर मैं काफ़ी सारे लड़कों को लूट चुकी थी। लेकिन अब बात सिर्फ गिफ्ट तक ही नहीं रही थी बल्कि मैं अब लड़कों के साथ पैसे खातिर रूम पर भी जाने लगी थी, और उसके बाद मैंने वही सब कुछ किया था जो हर लड़का लड़की करते हैं। ऐसा करना मेरा शौक़ भी बन गया था और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिल जाया करते थे। पैसे की लालच ने मुझे अंधा बनाता चला जा रहा था और मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो मुझे पता चला कि मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया गया है। मैं ये बात सुन के घबरा गई थी क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था, यहाँ तक कि मेरी शादी की डेट भी अगले ही महीने की रख दी गई थी। और उनका कहना था कि तुम लड़के की फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो और लड़के की फैमिली अच्छी है, खाते पीते लोग हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है, इसीलिए उन्हें दान दहेज की भी ज़रूरत नहीं है और वे शादी में भी फिजूल खर्ची नहीं चाहते हैं। मुझे अपने पेरेंट्स के बहुत गुस्सा आ रहा था और एक बार उन्हें मुझसे तो पूछ ही लेना चाहिए था कि क्या मैं शादी हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं चाहती थी कि मेरी शादी खूब धूमधाम से हो। आजकल की लड़की अपनी शादी को कितना एंजॉय करती है, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता फिक्स भी कर दिया था तो ऐसी जगह किया था जो लोग मेरी रूखी सूखी शादी करवाना चाहते थे। मैं तो बहुत ही दुखी हो गई थी इस खबर को सुनते ही, लेकिन जब मैंने लड़के का फ़ोटो देखा तो पिघल गई थी क्योंकि लड़का बहुत ही स्मार्ट था और लड़के को माँ को मेरे ही जैसी सुंदर लड़की चाहिए थी, इसीलिए उनकी कोई डिमांड नहीं थी और फाइनली मेरी शादी हो गई। और शादी हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शादी की पहली ही रात जब मेरा पति कमरे में आया तो हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। सारी रात मेरी करवटें बदलते ही गुजर गई थी और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी, हालांकि इस घर में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी और मेरे यहाँ पर हर मेरी मांग पूरी हो रही थी, लेकिन एक ख्वाहिश मेरे अंदर ऐसी थी जिसको पूरा करना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। शादी के बाद मैं हर रात यही सोचती थी कि मेरी भी क्या ज़िंदगी है, ना जाने अपने पेरेंट्स के कहने में आकर क्या सोच के ये शादी कर ली थी और मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मैं अपने सारे अरमान शादी के बाद पूरे कर लूँगी और अपने पति से ही पूरे करवाऊँगी। अब मेरे सारे सपने बिखर गए थे, बल्कि मैं तो अंदर से पूरी तरह टूट के रह गई थी। मेरे पति के होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरा पति हालांकि बहुत अच्छा इंसान था और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी और वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, लेकिन मुझे वह सुख नहीं दे पा रहा था जिससे कि मैंने शादी की थी। अपने पति की मौजूदगी में भी मैं बेचैन रहती थी क्योंकि वह मेरी डिमांड पूरी करने के काबिल ही नहीं था।
तभी तो मैं मजबूरी में आकर अपने पड़ोसी के साथ अफेयर चला लिया था। वह अपने फैमिली के साथ हमारे पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुआ था। उसकी पत्नी पुलिस ऑफिसर थी और वह ज़्यादातर ड्यूटी पर ही रहा करती थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। उन दोनों को शादी को अभी एक ही महीना हुआ था और उसकी पत्नी का ट्रांसफ़र इस शहर में हो गया था, इसीलिए वह दोनों यहाँ रहने पर आए थे। वह लड़का बहुत ही स्मार्ट था और मेरा उस पर दिल आ गया था और सारा दिन उसके घर में कोई भी नहीं होता था, इसीलिए बहाने से मैं उसके घर चली जाती थी और वह भी अकेला होता था। उसकी पत्नी ज़्यादातर ड्यूटी पर ही होती थी और मुझे भी अपनी डिमांड पूरी करने के लिए किसी मर्द की ज़रूरत थी। और जब मेरा पति ये सब पूरा नहीं कर सकता तो मैंने अपने पड़ोसी हरेंद्र के साथ ये सब करना शुरू कर दिया था। वह मुझे पूरा टाइम दिया करता था और मेरी सास भी बहुत सुंदर थी और मेरे ससुर भी बहुत यंग थे क्योंकि मेरे पति की उम्र ज़्यादा नहीं थी। मेरे पति पूरा दिन उम्र ऑफिस में ही रहता था और मेरा ससुर घर में रहकर सास का हमेशा ख्याल रखा करते थे और मेरी सास का हमेशा ख्याल रखते थे, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बिजी रहते थे और उनका ध्यान मुझ पे जाता ही नहीं था। और इनके अलावा मेरे ससुराल में कोई था भी नहीं। मैं हरेंद्र के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ना जाने क्यों वह अपने घर में ताला लगाकर अपनी पत्नी के साथ कहाँ गायब हो गया था। उसका नंबर भी नहीं लग रहा था और उसकी गैर मौजूदगी में तो मैं मायूस ही हो गई थी और मैं मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार पे अपने पति को ताने दिया करती थी। मेरा पति मुझसे नज़रें चुराने लगा था और मुझे लगता था कि कहीं मैं उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने ना खोल दूँ। और उसने मुझे मना किया था कि उसकी ये कमी मुझे अपने मम्मी पापा के सामने नहीं आने देना है वरना वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आज भी जब वह ऑफिस जा रहा था तो मैंने उसे बहुत सारे ताने देकर घर से विदा किया था। दोपहर का टाइम हो रहा था, मैं और मेरी सास दोपहर का खाना बनाने में बिजी थे जब मेरे ससुर के पास अचानक किसी का कॉल आया तो मेरे ससुर उल्टे पैर भाग गए थे। हम लोग भी घबरा गए थे कि ना जाने क्या बात हो गई है। लेकिन जब एक घंटे बाद मेरे ससुर घर वापस आए तो गली में शोर की आवाज़ आने लगी थी और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो घर के आगे एम्बुलेंस रुकी थी और उसे किसी मरीज को निकाला जा रहा था और साथ ही साथ मेरे ससुर भी थे। और तब मेरे ऊपर ये पहाड़ टूटा कि मेरे पति का एक्सीडेंट में मौत हो चुका है और अब वह हमेशा के लिए बिछड़ चुका था। ना जाने मुझे उसके मरने का अफसोस क्यों था या मुझे अपने ठिकाना छीन जाने का अफसोस था क्योंकि मैं दोबारा अपने मायके नहीं जाना चाहती थी और दोबारा उस गरीबी भरे ज़िंदगी में कदम नहीं रखना चाहती थी जहाँ पर मेरी बचपन से लेकर अभी तक कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी और इस घर में मेरी हर सुविधा मिल रही थी। मेरे दिल में अजीब बेचैनी हो रही थी, मेरे तो उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये डर जरूर सता रहा था कि अब मेरा क्या होगा। मेरा इस घर से नाता टूट गया था, अब मेरी सास मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। मेरे पति के मौत के एक महीना हो चुका था लेकिन मेरा दिल यही सोचते हुए गुजरा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी फैमिली वालों ने कहा था कि हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि मेरे पति के मौत के कुछ दिन और गुजर गए तो मेरी सास खुद ही मुझे मायके छुड़वा देगी। आज रात मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी और मेरे पति के मौत के 3 महीने हो चुके थे और किसी के साथ मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का भी मन कर रहा था। मैं अपने फीलिंग के हाथे बुरी तरह घायल हो चुकी थी और सोच रही थी कि अपने इस फीलिंग को किस तरह से पूरा कर सकूं। काफ़ी दिनों से हरिंदर भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ना जाने वह कहाँ चला गया था। एक दिन मैंने अपने सास ससुर को एक दूसरे के बहुत करीब आते देख लिया था, तभी से मुझे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं की जा रही थी और मुझे अपने ससुर अच्छे लगने लगे थे, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान अपने ससुर पे चला गया था। मैं कितने समय खुद के साथ जंग करती रही कि ये सब करना ठीक नहीं है, वह मेरे ससुर हैं और अगर मेरी सास को पता चल गया तो कल के बजाय आज ही घर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन इस समय तो मुझ पे फीलिंग्स हावी हो रही थी और मुझ पे खुद पे कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा था। 2 दिन बाद सास ने कहा कि बहू मैं अपनी गाँव जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा मायका है वहाँ पर किसी की मौत हो गई है और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम घर का ध्यान रखना, इसलिए तुम अकेली ना रहो, इसीलिए तुम्हारे ससुर मुझे वहाँ छोड़ के आ जाएंगे
वहाँ पर मुझे 10 दिन लग जाएगा और काफ़ी समय के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मैं अपने बाकी जितने रिश्तेदार हैं उनके घर भी जाऊँगी। अगर तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी या कमी हो तो अपने ससुर जी से मंगवा लेना। मेरी सास कहने लगी, मुझे जाने का तो मन नहीं कर रहा है तुम्हें अकेले छोड़कर, मगर मेरी मजबूरी है। मैंने दिमाग लगाया तो सोचा तो इससे अच्छा मौका कभी मेरे पास हो ही नहीं सकता। मैंने अपने सास से कहा कि नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर आप मायके होके आइए। आप ही 10 दिन क्या 15 दिन रह के आइए, क्योंकि आप इतने लंबे समय के बाद मायके जा रही हो, और वैसे भी जब औरतें मायके जाएँ तो वहाँ से अपना मन भर के ही वापस आना चाहिए। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी और मेरी ये बात सुनकर वह इम्प्रेस हो गई और उसको ससुर गांव में छोड़ने के लिए चले गए। उसके बाद मेरे ससुर रात के समय घर वापस आए और मेरे ससुर खाना खा कर ही आए थे, इसीलिए फौरन वह अपने कमरे में चले गए। मैं उन्हें देख रही थी कि वह एक जवान बेटे के पिता थे, फिर भी वह उसके बड़े भाई लग रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल मेरी सास का भी था। उन दोनों की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, इसीलिए उनकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती थी, और मेरी सास भी बहुत सुंदर औरत थी और उन्होंने खुद को यंग बना के भी रखा हुआ था। और मुझे समझ ये नहीं आ रहा था कि मैं अपने ससुर पे कैसे डोरे डालूँ, और फिर मुझे आइडिया आया कि मैं चाय बनाऊं और चाय बनाकर अपने ससुर के कमरे में लेके चली गई और उनसे कहने लगी कि आप थक गए होंगे इसीलिए मैं चाय लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले मैं अपने ब्लैक साड़ी पहन ली थी ताकि उन्हें इंप्रेस कर सकूं। मैंने चाय का कप हाथ में लेकर उन्हें दिया और उन्होंने जैसे ही चाय का कप टच किया तो उनका हाथ मेरे हाथ से भी टच हो गया था और मेरे अंदर जैसे करंट लग गया था और वह मुझे बड़े ही हैरानी से देखने लगे थे। तभी मुझे मौका दिए बिना ही उनके साथ लिपट गई थी। मेरे लिपटने पर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ था और वह भी मुझसे खुश हो गए थे, क्योंकि मेरी सुंदरता में भी कोई कमी नहीं थी और उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी, इसीलिए वह भी बिना कुछ सोचे समझे बहुत मेरे करीब आ गए थे और उनका यह व्यवहार मुझे अजीब भी नहीं लगा था। और फिर हम दोनों के बीच वह खेल शुरू हो चुका था जो एक मर्द और एक औरत के बीच खेला जाता है। अब हम अपनी सास के पीछे कमरे में खूब मिलने लगे थे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं अपने पति को तो भूल ही चुकी थी। और इसी तरह से 10 दिन गुजर चुका था और मेरी सास का आने का वक्त हो चुका था और मेरे ससुर का भी कहना था कि वह इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएंगे और अगर सास को धोखे से भी पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। लेकिन कुछ दिनों के बाद हरेंद्र भी वापस आ गया था और उसने कहा कि उसकी पत्नी एक बड़े केस को सॉल्व करने के लिए दूसरे शहर गई थी और इसी बिना बताए ही बाहर चला गया था। और जब मेरी सास घर में आ गई तो हरेंद्र के साथ ही समय बिताती थी और कोई बहाना लेकर उसके घर में चली जाती और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ इस बात को अंजाम दिया करते थे। मेरे ससुर भी मौके की तलाश में रहते थे लेकिन घर में सास होने की वजह से वह कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हरेंद्र के आ जाने के बाद मैं अब उनसे दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी और ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और मैं अपने इस ज़िंदगी से बहुत खुश थी, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मिल रहा था। ससुराल में हर तरह का आराम था, हर चीज़ आराम से मिल जाया करती थी, क्योंकि मेरे ससुर भी कोई ना कोई काम करते रहते थे। और फिर इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे और ज़्यादा लोग भी नहीं थे। हम तीनों लोगों का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं था और जिस चीज़ की ख्वाहिश मुझे सबसे ज़्यादा थी उसे हरेंद्र पूरी कर रहा था। मेरे पति के मौत का भी काफ़ी समय हो गया था लेकिन मेरे सास ने घर जाने को नहीं कहा था। इससे पहले कि वह मुझे घर से निकाल जाने को कहती, अचानक मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मैं चक्कर खा के गिर गई। मेरी हालत देखकर मेरी सास चौंक गई थी और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस समय तो मेरी सास बिल्कुल खामोश हो गई थी और किसी तरह से कोई बात नहीं की और मुझे सारे रास्ते घबराहट हो रही थी कि अब ना जाने मेरे सास का क्या रिएक्शन होगा और वह मुझे घर से निकाल देंगी। लेकिन घर आने के बाद उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और सख्ती से सवाल करने लगी कि आखिर ये बच्चा किसका है, तुम हमारी आंखों में धूल झोंककर किसके साथ मिलते रही हो, किसके साथ ये सब कुछ करते रही हो, तुम मेरे बेटे की विधवा हो ये सोचकर मैंने तुम्हें घर में रहने दिया लेकिन तुम तो मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, ना जाने तुम किस किस से मिलती हो, बताओ सच सच ये बच्चा किसका है, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दूंगी।
मैंने डरते डरते हरेंद्र का नाम ले लिया था, जबकि मेरे ससुर भी घबराए हुए थे। उन्हें लगता था कहीं ये बच्चा उनका तो नहीं है, लेकिन ये बच्चा हरेंद्र का था। मैं अच्छी तरीके से जानती थी। हरेंद्र का नाम सुनकर मेरे सास के होश उड़ गए थे और कहने लगी कि तुम जानती हो कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी पुलिस ऑफिसर है और वह ज़्यादातर घर से बाहर रहती है। इस बात का भी उसने भी खूब फायदा उठाया है। मेरी सास ने और भी बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन मैं खामोशी से सुनती रही थी क्योंकि मेरी गलती थी। और मेरे ससुर भी यह बात सुन के हैरान रह गए थे कि मैं गलत करेक्टर की लड़की हूँ। मैं उनके बेटे की विधवा होते हुए उनके साथ ही नहीं बल्कि आसपास के लड़कों के साथ भी रिलेशन बना चुकी थी। मेरे ससुर भी नाराज़ हो गए, लेकिन उन्होंने सास को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह भी फंस सकते थे। मेरी सास ने कहा कि तुम अब अपनी मायके चली जाओ, तुम्हारे मायके वाले ही तुम्हें बर्दाश्त करेंगे। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने सास के पैरों में गिर गई और कहने लगी थी कि प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, अब जो हो चुका है उसे तो बर्दाश्त करना ही होगा। मैं ऐसी कंडीशन में मायके नहीं जा सकती, वरना वहाँ से भी लोग मुझे निकाल देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा इज्जतदार लोग हैं। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी सास अगर इतनी इज्जतदार लोग हैं तो उनकी इज्जत तुम्हें नहीं घटानी चाहिए थी। वह मुझसे बहुत नाराज़ थी और अपने गुस्से का सारा जहर मेरे ऊपर उगल रही थी। मैंने उनको अपने उनके बेटे का वास्ता देकर समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और अपने घर में रहने की परमिशन दे दी। मगर मेरे ससुर का मूड बहुत ही ख़राब हो रहा था और वह मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनका देखना ना देखना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरी सास ने हरेंद्र को घर बुलाया और उसको जब ये सब कुछ बताया तो हर बात से इनकार कर चुका था और उसने कहा कि आपकी बहू झूठ बोल रही है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हरेंद्र की इस झूठ पे हैरान थी और मुझे बहुत उस पे गुस्सा आ रहा था। मेरी सास समझ गई थी कि वह उससे झूठ बोल रहा है, तो मेरी सास ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा ही है और तुम्हें इस बच्चे को और कंचन को एक्सेप्ट करना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। वह घबरा गया था क्योंकि उसको अपनी पत्नी के रहते हुए मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और उसकी पत्नी हमेशा ड्यूटी पर ही होती थी, इसीलिए उसके अपने पति की हरकतों की कोई खबर नहीं थी। उसका कहना था कि मैं एक विधवा से शादी नहीं कर सकता। तब मेरी सास ने कहा कि विधवा के साथ तुम शादी नहीं कर सकते, मगर उसके साथ रंगरेलिया खूब मना सकते हो। इस बात पर वह खामोश हो गया था और उसने कहा था कि मैं सोचकर इस बारे में मेरी सास को बता देगा। मेरी सास का कहना था कि अगर उसने तुमसे शादी कर ली तो फिर तुम उसके घर चली जाना, हम तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम समझ गए हैं कि तुम बहुत बिगड़ी हुई औरत हो जिसको हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अपनी सास की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो रही थी, पर मैं क्या कर सकती थी, मैं मजबूर थी। हरेंद्र ने कुछ दिनों के बाद मेरी सास को भरोसा दिलाया था कि वह कंचन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जैसा चल रहा है चलने दिया जाए क्योंकि अभी उसकी नौकरी में कुछ दिक्कत आ रही है और जब उसकी नौकरी फाइनल हो जाएगी तब वो मुझसे शादी कर लेगा और अपनी पत्नी के बारे में सोचेगा कि उसका क्या करना है, क्योंकि वह ज़्यादातर घर के बाहर ही रहती थी। क्योंकि जिससे परेशानी का शिकार मैं हो रही थी उसी परेशानी का शिकार हरेंद्र भी हो चुका था, उसे भी तो अपना दिल बनाने के लिए मेरा सहारा लिया था और मैं अपने सास के आगे सर झुका दिया था। हरेंद्र ने खामोशी से कहा था कि तुम मेरे घर आ जाओ, लेकिन अभी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। मैं हरेंद्र के साथ बिना शादी किए हुए भी रह सकती थी और क्योंकि सिर्फ मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो और उसकी पत्नी मिलकर काफ़ी पैसे कमाते थे। उसने मेरी सास से नौकरी का तो बहाना लिया था, दरअसल वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वह ऐसा कर लेता तो उसकी पत्नी बहुत ही खतरनाक औरत थी और अपने ही पति को अरेस्ट भी कर सकती थी। इसीलिए वह अपनी पत्नी से छुपकर अपने घर में जगह तो दे दी थी, लेकिन ऐसा सिर्फ मेरी सास को तसल्ली देने के लिए किया था और मेरी सास को लगा कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी पत्नी को छोड़ देगा। लेकिन मेरी सास नहीं जानती थी कि उसकी पत्नी का धोखा देने का अंजाम हमें क्या मिलने वाला है, इसीलिए ये सब कुछ खामोशी से चलता रहा और मैं हरेंद्र के ही घर पर रह रही थी।
हरेंद्र ने मुझसे ऑपरेशन कराने के लिए कहा था। मैं ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन वह मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गया और मेरा ऑपरेशन करा दिया गया। इस तरह से इस बच्चे का नामो निशान तो ख़त्म हो गया, और ऐसा करने से हरेंद्र के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। और जब हरेंद्र के पत्नी की आने की खबर होती तो मैं अपने ससुराल आ जाती थी, क्योंकि मेरी सास को मैंने यही बताया था कि अभी हरेंद्र ने अपनी पत्नी से बात नहीं की है और मेरा मिसकैरेज हो गया है, जिस वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इस वजह से मेरी सास को बहुत अफसोस हुआ। और जब हरेंद्र की पत्नी चली जाती तो मैं फिर से हरेंद्र के घर चली जाती थी, और कुछ दिन गुजारने के बाद हम दोनों पहले की तरह नॉर्मल लाइफ पे आ गए थे, और हर रात हम एक दूसरे के साथ इस काम को अंजाम दिया करते थे, क्योंकि वह भी इस चीज़ के लिए तरस रहा था और मैं भी। मगर इस बीच एक बहुत ही अजीब बात हुई थी। मेरे ससुर मेरे पीछे पड़े हुए थे और उनका कहना था कि मैं भी उनका दिल बहलाऊँ, वरना वह मेरी सच्चाई सास को बता देंगे। मैं उनके इस धमकी से डर गई थी, लेकिन मैंने उनको भी धमकी दी थी कि मैं भी आपके बारे में आपकी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सच्चाई तो पहले ही हरेंद्र के साथ खुल गई है, इसलिए तुम्हारी बात पे मेरी पत्नी विश्वास नहीं करेगी, और मेरी बात पे मेरी पत्नी विश्वास कर लेगी तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब मैं हरेंद्र से छिपकर अपने ससुर के साथ भी वह सब कुछ कर रही थी। मेरे ससुर हरेंद्र के घर में चोरी छिप के आ जाते थे और शाम के टाइम निकल जाते, और जब रात को हरेंद्र आता तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ इस बात को अंजाम दिया करते थे, और मेरे दिन और रात इसी तरह से गुजर रहे थे। और आभूषण होने की वजह से मेरे अंदर थोड़ी कमजोरी हो गई थी, और इन दिनों मैं दो मर्दों के हवस का शिकार हो रही थी, क्योंकि इन दिनों मुझे हवस की आदत पड़ गई थी। लेकिन धीरे धीरे कमजोरी के कारण अब मेरा मन इन सब चीज़ों से हटने लगा था। दरअसल जब मेरी शादी मेरे पति के साथ हुई थी तब से ही उनको अपनी कमी के बारे में पता था। वह अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में टालते रहे थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि वह उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन उनके परिवार ने उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी है। जब शादी की रात मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मेरे सामने उनकी कमजोरी खुल के आ गई थी, क्योंकि जब मैंने सोचा कि शादी से पहले जो लड़कों से किया करती थी वह अपने पति से करूंगी, अपने पति की वजह से मैं अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही थी और मेरी फीलिंग मेरे शरीर में ही दम तोड़ रही थी। उस दिन मेरे पति शरीर जॉब पे गए हुए थे और सास कामों में बिजी थी, और जब मैं छत पे कपड़ा पसारने के लिए गई थी तब मेरी बैठे हुए पड़ोस में बैठे हुए मेरी नज़र हरेंद्र पे चली गई थी, और वहीं से हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। और धीरे धीरे हम दोनों इतने करीब आ गए थे कि छत से ही मैं हरेंद्र के घर चली जाती और उन्हें एक दूसरे के साथ हम दोनों फिजिकल हो गए। मेरे पति को मुझ पे शक होने लगा था, लेकिन मैं उनको टाल दिया करती थी कि ये उनका रहम है, आप खुद कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए आपको अपने पत्नी पे शक होता है। मेरा पति मेरी ये बात सुनकर खामोश हो जाया करता, लेकिन एक दिन मेरे पति ने मुझे हरेंद्र के घर में जाते हुए देख लिया था और वह समझ गए कि मैंने उसके घर क्यों गई हूँ, और मुझे घर आने के बाद मुझे बहुत डांट लगाई थी और सारी रात हम झगड़ते ही रहे थे, और मैं अपने पति से यही कह रही थी कि अगर आप ऐसे नहीं होते तो मुझे अपनी ख्वाहिशों को दूसरे से पूरे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने पति से कहा था कि अगर आप में कमी थी तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मेरा पति खामोश होकर मेरी सारी बातें सुनता रहता था और मेरी बातें उसे हर्ट कर रही थी, और वह सारी रात टेंशन में रहे थे। और जब सुबह वह ऑफिस गए तो फिर खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं अपने ससुर और हरेंद्र से अपना जान छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत तंग कर दिया था और मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन के समय मेरे ससुर आ जाया करते थे और रात के समय हरेंद्र, जिस चीज़ को मैंने अपना शौक बना लिया था अब उससे मेरा मन भरने लगा था। लेकिन मेरे ससुर मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगते थे कि अगर तुमने मुझे इनकार किया तो मैं तुम्हारी सास को और हरेंद्र को सब कुछ बता दूंगा। मैं अपने ससुर से जान छुड़ाना चाहती थी, मैंने उन्हें हर तरीके से समझा के देख लिया था, लेकिन वह मुझे पीछा छोड़ने को राजी ही नहीं थे। लेकिन मैं फिर अपने आप को ये सोच के कंट्रोल कर लेती थी, किसी न किसी के साथ तो मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरे करनी ही थी। लेकिन इस काम को चलते बहुत दिन हो गए थे और अब इस काम की द एंड होने की बारी आ गई थी।
क्योंकि एक दिन जब दोपहर के समय मेरे ससुर मेरे पास आए तो हम दोनों इस बात पर डिस्कस करने में बिजी थे, तभी अचानक झटके से दरवाज़ा खुल गया और ये देख के मैं और मेरे ससुर के होश उड़ गए थे कि दरवाजे पे और कोई नहीं, हरेंद्र की पत्नी और मेरी सास मौजूद थे। हरेंद्र तो यहाँ था ही नहीं, उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वह मेरे और मेरे ससुर के बारे में कुछ नहीं जानता था। वे दोनों औरतें फटी फटी नज़रें से हम दोनों को देख रही थी। हम दोनों घबरा कर एक दूसरे से अलग हो गए और हमने अपनी हालत को ठीक किया। उन लोगों को देखकर तो मैं भी बुरी तरह से घबरा गई और फौरन से कपड़े ठीक किए। मेरी सास मेरे करीब आई और उन्होंने मेरे मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था, और तो और उन्होंने अपने पति को भी घूर के देखा था। हरेंद्र के पत्नी ने फौरन हरेंद्र को घर बुलाया और कहा कि ये सब कुछ हमारे घर में क्या हो रहा है, आखिर तुम मेरे पीठ पीछे ये क्या करते रहते हो। हरेंद्र मुझे और मेरे ससुर को देख के घबरा गया था, तो मेरे सास ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। दरअसल ये औरत तुम्हारे पति के साथ अफेयर चला रही है और मेरे पति को भी इसने अपने काबू में कर लिया था। ये बहुत ही घटिया औरत है, ये मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन अपना हवस पूरा करने के लिए तुम्हारे पति को भी शिकार बना लिया और मेरे पति को भी। मुझे काफ़ी दिनों से अपने पति पे शक हो रहा था और मैं अपने पति और अपने बहू को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने भी तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन शायद तुम नहीं जानती थी कि ये तुम्हारे पति के बच्चे के भी माँ बन गई थी, लेकिन इन्होंने ना जाने उस बच्चे के साथ क्या किया, मिसकैरेज हो गया था यार, जबरदस्ती अबॉर्शन करा लिया था। हरेंद्र की पत्नी ये बात सुन के हैरान हो गई और उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पति पे बहुत भरोसा किया था। दरअसल मेरी सास ने उसे फ़ोन करके बुलाया था और उसने हरेंद्र से कहा था कि तुम्हारी घर में कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं, तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, और ये सब देखने के लिए आई थी तो उसके सामने हम लोगों की हरकत आ गई थी। मेरी सास ने कहा था कि अरेस्ट कर लो इस लड़की को और साथ ही साथ मेरे पति को भी अरेस्ट कर लो, जो अपनी पत्नी के होते हुए भी अपनी बहू के साथ ये सब कुछ कर रहा है, इसको शर्म नहीं आई अपने बेटे की विधवा के साथ ये सब कुछ करते हुए। मेरे ससुर कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जब तुम 10 दिन के लिए मायके गई थी तो ये खुद आकर मुझसे लिपट गई थी, और जब हरेंद्र आ गया तो ये फिर हरेंद्र के साथ ये सब कुछ करने लगी। सब लोगों के सामने मेरा करेक्टर खुल के आ गया था और मैं अपने सास से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन शायद माफ़ी की गुंजाइश उनके दिल में थी ही नहीं। हरेंद्र भी अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वह अपने पति की बेवफाई सहन नहीं कर सकी और हम तीनों को ही अरेस्ट कर लिया गया था, और उसने कहा कि ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपके पीछे दूसरी औरतों का दीवाना हो जाए। मैंने अपनी सास से कहा था कि ये सब करने के लिए मुझे आपके बेटे ने ही मजबूर किया था, क्योंकि आपका बेटा एक नामर्द इंसान था और उससे कुछ ना हो सका, उसे शादीशुदा होने का सुख नहीं दे पा रहा था, यही वजह थी कि मैंने ये कदम उठाया था। लेकिन अब जो कुछ भी था, मैंने अपने पति के मरने के बाद काफ़ी कुछ गलत किया था और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और मैंने अपने पति को भी उसकी कमजोरी पे बहुत सारी बातें सुनाई थी जिसकी वजह से वह टेंशन में आ गया था और ऑफिस से आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे जैसी शौक पूरा करने वाली औरतों को शायद कुछ नहीं हो सकता, और मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई है और आज मैं जेल की चक्की पीस रही हूँ, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि औरत होते हुए हरेंद्र की पत्नी और अपने सास का घर उजाड़ दिया था, यहाँ तक कि मैं अपने पति का भी नहीं रही थी बनके, और आज भी अपने किए की सज़ा काट रही हूँ। और आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जो गलती आप करते हो उसकी सज़ा भगवान इसी दुनिया में दिखा देगा, इसलिए कोई भी गलती करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना, ताकि कोई गलती ही ना कर सको। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए।